मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मध्य प्रदेश की सरकार नई नई योजनाओं को निकाल रही है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बोले, बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपए डाले जाएंगे। और आगे बोले, मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति है। यह बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। इस योजना के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म सभी गांव और शहरों के वार्डों में शिविर लगाकर भरे जा रहे हैं। आपको आवेदन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को अपना ही समझना। आपको आवेदन भरना है, कलेक्टर यहाँ खड़े हैं, व्यवस्था ठीक से चल रही है, आवेदन की कोई परेशानी नहीं है। देखो, हर गांव में भरे जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। आपका आवेदन आपके गांव में भरा जाएगा। सब गांव में शिविर लग रहे हैं और शहर में वार्ड में। दो तीन चीजें और, एक खाता नंबर चाहिए। बैंक के खाते कौन कौन के, जरा हाथ उठाओ मेरी बहनों। सभी के हैं, मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया जनधन योजना में, सबके ही बैंक के खाते हैं। और उसके साथ साथ आधार कार्ड चाहिए। आधार कौन के पास है, हाथ उठाओ। कौन कौन के आधार भी है। अब एक EKYC होनी है। अब ये भी काय के लिए कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं EKYC के पैसा बहनों के खाते में ही जाए और कोई खाते में नहीं जाए। और इसके लिए एक बात आप साफ सुन लें, हमने तय किया कि जिन बहनों के EKYC नहीं है उनके EKYC करवाना तो पैसा लग जाते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पे जाओ, MP ऑनलाइन पे जाओ, तो हमने तय किया कि 15 रुपया हर बहन के इनको हम देंगे जो EKYC करेगा। कोई को पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया के मुख्यमंत्री रहते हुए बहनों के पैसा लग गए तो भैया का मुख्यमंत्री बनने का मतलब ही क्या है, बताओ। देखो, अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी और जांच करके पंचायत के दफ्तर में पूरी नाम की सूची लटका दी जाएगी। जो पात्र बहने हैं 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र की, पूरी सूची लटकाई जाएगी। और उस सूची पे भी अगर कोई को आपत्ति है तो वो आपत्ति लगा सकेगा। मई में जांच होकर सूची फाइनल, और जून में मेरी बहनों तुम्हारे खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। पहली किस्त आएगी जून के महीना में और उसके बाद हर महीने ये किस्त आती रहेगी। अगर हर महीने 1,000 मिला तो बताओ साल भर में कितना मिलेगा, 12,000। और ये 12,000 हर परिवार को मिलेगा। परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। मेरी बहनों, ईमानदारी से बताना जरा पीछे तक, बताओ घर की हालत बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? घर की हालत बदल जाएगी। पर एक बात और मैं कहता हूं, अपने भाइयों से भी कहता हूं कि एक बार भाई इस पैसे का दुरुपयोग कर सकते थे। मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ की बात करता हूं। जेब में पैसा आ गए तो फालतू खर्चा कर दो, लेकिन ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, बहने इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी, अच्छे काम में ही खर्चा करेंगी मेरी बहने। मेरी बहनों, ये सामाजिक क्रांति है, मुख्यमंत्री लाडली बहना। और बैतूल में आज इतनी बड़ी संख्या में आप आई हैं, बताओ आवेदन कौन कौन ने भर दिया, हाथ उठाओ जरा। योजना के फॉर्म कौन कौन ने भरे, अभी काफी लोगों ने भर दिए, लेकिन जिनने नहीं भरे वो अभी मत घबराना। 30 अप्रैल तक निरंतर फॉर्म भरने का काम जारी रहेगा। बहुत आसान शर्तें हैं इसकी। नंबर एक, 2,50,000 रुपया सालाना से कम आय होनी चाहिए। 2,50,000 रुपया से ज्यादा आमदनी कौन कौन की, जरा हाथ उठाओ। कोई की नहीं है, मतलब सभी पात्र हो जाएंगे।
बजट में इंतजाम ज्यादा करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। 2.5 लाख से कम की आय हो नंबर एक, इनकम टैक्स नहीं देते हो नंबर दो, सास की कर्मचारी नहीं हो नंबर तीन, सांसद और विधायक नहीं हो, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हो, जनपद वाले नहीं हो नंबर चार, और चार पहिया वाहन ना हो। बाकी 5 एकड़ तक की भी जिनकी जमीन है किसानों की, वो भी सब पात्र होंगे इस योजना के लिए, 5 एकड़ तक जमीन वाले।